जय हिंद, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज़। दिल्ली में आज से लॉकडाउन लग चुका है और जो कि सोमवार की सुबह तक रहेगा। इसी तरह से अगर गाज़ियाबाद की बात की जाए तो आज रात 8 बजे से यहां पर भी कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है। ऐसे में जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो अपने घर के लिए पलायन करने लगे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ, ये गाज़ियाबाद के कौसाम्बी बस अड्डे की तस्वीर है, जहां पर आप जहां तक भी आपकी नज़र जाएगी बसें और लोग यहां पर आपको दिखाई देंगे जो अपना सामान लेकर अपने गांव की तरफ रुख करने लगे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह की ये तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें जब हैं, जब आज 8 बजे के बाद गाज़ियाबाद में संडे का और एक दिन का कर्फ्यू लगने वाला होगा। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय सिंह नागर है। क्या करते हैं आप यहाँ? मैं ड्राइविंग करता हूँ। किस तरह से लोगों को आप घर जाते हुए देख रहे हैं कि यहाँ लगातार जब रहते हैं तो कैसी भीड़ दिख रही है? इतनी भीड़ तो नहीं होती है, पर कल ज़्यादा भीड़ थी, आज भी है थोड़ी भीड़। क्या लगता है आपको किस लिए ये लोग जा रहे हैं? कुछ लोग लॉकडाउन बता रहे हैं, कुछ शादी बता रहा है, कोई ऐसे प्रोग्राम बता रहा है, कोई चुनाव बता रहा है। कोरोना का डर भी कहीं ना कहीं लोगों में है कि जैसे पिछले साल के हालात हुए थे, पैदल जाना पड़ा था, तो इस बार ऐसा ना हो पहले ही घर निकल लिया। इस बार चांस नहीं ले रहा कोई, इस बार पहले जैसे चांस नहीं रहा भैया, अपने पहले से समय से निकल रहा है। बिल्कुल, देखिए ये गाज़ियाबाद का कौसाम्बी बस अड्डा है जहाँ पर लोग उमड़े हैं और अपने घर जाने की तैयारियाँ कर रहे हैं। इनको अंदाज़ा है कि आने वाले समय में यहाँ पर एक बड़ा कोरोना विस्फोट हो सकता है, जो कि लगातार हो भी रहे हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? अरे सर, मेरा नाम मनीष है। क्या काम करते हैं आप यहाँ दिल्ली में? मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ। अब कहाँ जा रहे हैं? गांव। किस लिए जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? लॉकडाउन लगा है तो कहीं लग रहा है कि आगे बढ़ जाएगा? पता नहीं, डर है फिर भी कि पैदल ना जाना पड़े, पहले निकल जाए। जी, मम्मी पापा परेशान है, यहाँ भी लॉकडाउन लगने वाला है, वहाँ भी सब लोग परेशान है, इसलिए कह रहे हैं बेटा जल्दी घर आ जाओ, इसलिए जा रहे हैं। पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तब आप कहाँ थे? यहीं थे या यहीं पे थे? हम फंस गए थे, फंसने के बाद में हम पैदल गए 2-3 किलोमीटर। इसके बाद में कुछ जैसे साधन मिलता गया, किसी ने बैठाला, किसी ने नहीं बैठाला, जैसे कहते हम घर पहुंच गए थे। तो इस बार डर है इसलिए पहले तैयार? हाँ, इसलिए पहले हम जा रहे हैं, बच्ची लिए, उस बार तो लड़की नहीं थी, इस बार तो लड़की भी है साथ में, इसलिए जा रहे हैं। जी, हमारा नाम गुड़िया। कहाँ रहते हैं आप यहाँ? हम वहाँ गाज़ियाबाद में रहते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? हम गोंडा जा रहे हैं, बस लॉकडाउन लगने वाला है इसलिए हम जा रहे हैं। डर है कहीं ना कहीं? हाँ, डर लग रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आतिफ है। आसिफ, क्या लगता है आपको, किस लिए आप अब जा रहे हैं यहाँ से? मैं घर इसलिए जा रहा हूँ कि लॉकडाउन लगने का डर है, अगर लॉकडाउन लग गया तो इधर ही फंसा रह जाऊँगा, इसलिए मैं गांव जा रहा हूँ। कहीं पिछले साल की तरह पैदल ना जाना पड़े? पिछले साल मैं नहीं फंसा था, मैं पहले ही चला गया था। इस समय मतलब फंसने का डर लग रहा है, इसीलिए मैं गाँव जा रहा हूँ। कब से हैं आप यहाँ, कब से खड़े हैं यहाँ पर? हो गया 10 मिनट। बस का इंतजार कर रहे हैं? बस का इंतजार कर रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए इन लोगों ने अपना सामान यहाँ पर पैक कर लिया है। इसमें बर्तन हैं, इनमें कपड़े हैं और अपना ज़रूरतमंद का जो सामान है वो सभी सामान इन्होंने पैक कर लिया है और अब ये अपने गांव की ओर जा रहे हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों में लॉकडाउन का डर अब बैठ चुका है। गाज़ियाबाद से अपने सहयोगी प्रशांत सैनी के साथ मैं जितेंद्र गौतम, लोकल वोकल।